तो आपने जय भीम का नारा लगाया, तो जो अंबेडकर जी ने कहा कि हक जो है वो हम अगर हक के लिए हम लोग भीख मांगेंगे तो हक नहीं कोई देगा हमें, हक के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, यही अंबेडकर जी ने लगा ने कहा था कि हक भीख मांगने से नहीं मिलता है, हक लड़ने से मिलता है। और ये आप सबको मालूम है ऐसा, पर आपको ये भी सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य जो है, हमारा स्वास्थ्य वो भी एक हक है। जैसे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हमारा हक है, वैसे ही स्वास्थ्य भी एक हक है, और वो स्वास्थ्य के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग स्वास्थ्य के लिए भीख मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो अगर आपका PHC अगर काम नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा हो, तो स्वास्थ्य के लिए लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। और इस विषय में ट्रेनिंग देने के लिए मुझे साथी से ज़्यादा बेहतर ग्रुप मुझे मालूम नहीं है। साथी जो हमारे अनुभव में साथी एक ग्रुप है और JSS एक ग्रुप है, दो ग्रुप जो हेल्थ के स्वास्थ्य के विषय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं, और एडवोकेसी मतलब हक के लड़ाई में साथी सबसे आगे ग्रुप है। तो इस ग्रुप का जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, आप में से ये पुणे से वापस आने वाले हैं, आप लोग भी वापस आएंगे क्या ट्रेनिंग के लिए, सब लोग? कि कोई सोच रहा है कि अभी हो गया ट्रेनिंग तो बस खत्म, मुझे मैं बन गया स्वस्थ, आएंगे ना? आएंगे। हाँ, तो अगर आप लोग पूरा ट्रेनिंग लिया और स्वास्थ्य की लड़ाई आप जारी रखेंगे, तो जैसे अंबेडकर जी ने कहा, वो हक आपको मिलेगा, उस हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग कल आपके गांव में गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके गांव देखकर बहुत सुंदर है, जो बैम्बू के साथ सब सजाए कर रहे हैं और सब पशुओं के लिए भी अलग अलग स्थान है, तो बहुत ही सुंदर गांव है आपका। मुझे बस एक दो चीज़ों में आश्चर्य हुआ कि जब हम लोग गांव में आपके गए तो बच्चे बहुत ढेर सारे मुझे दिखे, जैसे उतना बच्चे हमें महाराष्ट्र के गांव और मध्य प्रदेश के भी गांव में नहीं दिखते हैं, तो हर गली में बहुत ही बच्चे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर स्त्री को कितने बच्चे होंगे यहाँ पर, पाँच छः सात आठ नौ बच्चे, मोटा मोटी एक जानकारी, तीन चार से लेकर नौ दस तक भी बच्चे होते हैं लॉन्ग कोर है। तो इसके तो इस विषय में सब बच्चे पर तो हमारा हक है, तो जितना बच्चे चाहिए कुटुंब को उतना बच्चे आपका हक है, वो सही है, पर क्या महिला अपने बच्चे को संभाल सकती है इतने और उसके लिए इतना काम कर सकती है, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब में भी महिला और पुरुष का हक नहीं होता है समान। तो इसलिए और जितना महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उतना पुरुष पे नहीं होता है बच्चों का। अगर लड़की होगा तो उन्हें 10 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लड़का आएगा। हाँ, तो यह आपको मेरे ख्याल से ये भी सोच बदलना है, अगर महिलाएं चाहती हैं कि कम बच्चे हो तो फिर उसके लिए आपको वो भी लड़ना चाहिए। तो ये बच्चों की बात भी आप सोचिए। और दूसरा चीज दहेज, आपके गांव में लड़कियों के लिए दहेज अब 3 लाख तक ऐसे कहा लोगों ने, 3, 4, 14 लाख, 10 लाख, 8 लाख, जिनके पास झोपड़ी रहने के नहीं है, जिनको खुद का अपना जमीन नहीं है, उन्हें एक गाड़ी 1 लाख नहीं, एक गाड़ी तो कम से कम दे दे, बाकी 50,000। तो मेरे ख्याल से दहेज के विषय में भी आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि आप में ही कुछ लोग हैं आपके कार्यकर्ताओं में जिसने दहेज नहीं दिया, तो ऐसे लोग भी हैं आपके गांव में जिसने दहेज नहीं दिया, दहेज नहीं लिया, तो उनको उदाहरण रखते हुए आपको युवाओं के साथ काम करना चाहिए कि हम न दहेज लेंगे न हम दहेज देंगे, और उस पे जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब सब लोग दहेज छोड़ेंगे ऐसा नहीं है, पर अगर कुछ लोग भी निकले तो फिर
जिन कुटुंबों को दहेज देना बहुत मुश्किल है उनके लिए एक रास्ता तो बनेगा ना, तो वो रास्ता होना जरूरी है, नहीं तो माँ बाप पूरे जिंदगी भर उनके ऊपर मन में इतना इतने बच्चों के साथ ये है कि वो दहेज कहाँ से निकाले, इतना बरी है लोगों में, तो ये बस बात मुझे गांव में समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना सुंदर गांव है आपका, इतना इतना परिश्रम के साथ एक गांव बनाए है आपने, हर गांव में मुझे परिश्रम दिखा आपका, पर ये छोटा छोटा चीज जो है स्वास्थ्य के लिए लड़ाई, दहेज के विरुद्ध में लड़ाई, बच्चों के लिए महिलाओं का हक के अनुसार लड़ाई, ये सब आपको सोचना चाहिए। और एक बात ये होते है मेरे गांव में, जब बच्चा छोटे होते हैं, जब वो मृत्यु होते हैं, तो बोलता नहीं भगवान ने इनको इतने दिन तक लिखा, तो कहाँ लिखा था, ये पन्ना तो आज तक हम देखा ही नहीं है, तो फिर इसका आगे जवाब क्या कर पाए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई बच्चा को कौन बीमारी हुआ था, अरे चुपा लिखा रहे आज ही दिन इनका लिखा हुआ, तो इस दिन जन्मेगा और छठी दिन, तो ये भी एक प्रश्न गांव में खास के ज्यादा आते हैं कि भगवान ने हमको लिख दिया छठी से बरी तक मर जाए, चाहे उसको निमोनिया टाइपर हो, बुखार हो, एक पॉसिबल हम लोग को देवता माना जाता है उसको, जो कि मलेरिया बुखार हम लोग थोड़ा जानकारी है, काफी देह में होते हैं, और जब वहाँ दवाई का जगह जो क्या होते हैं वो धुम्मन गुलगुल जो होते हैं कि सेंट देने से भगवान इसको भाग जाते हैं, ताकि वह बीमारी से कंट दे, मैया जो होता है, तो ये जो है मतलब भगवान को मानते हैं लोग वो अच्छा है, पर ऐसे पर भगवान हमें भी है, सब हर में भगवान है, तो ऐसे नहीं है कि भगवान का काम हो गया एक बार लिखने से, अगर लिखा हुआ तो भी हमें जो भगवान है वो वापस लिख सकता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने लिखा है, ऐसा नहीं है, हम लोग हमारे सब लोग अपने अपने जिंदगी खुद लिख रहे हैं, हम तो सरकार भी खुद लिख रहा है, हम लोग भी खुद लिख रहे हैं, जो लड़ाई नहीं कर रहा है वो भी उतना ही दोषी है जो लूट रहा है, तो जो सोच रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि सब लिखा हुआ है, यही हमारा भाग्य है, वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि वो व्यवस्था को वो रहने दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग सब अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं, आपके बच्चे अपने जिंदगी खुद लिखने वाले हैं इस दुनिया में, आप ही नहीं आपके बच्चे भी, तो हमें तो आप हमारे बच्चे की जिंदगी हमारी जिंदगी से अच्छी होनी चाहिए, ये हमारी सबकी राय होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे बच्चे क्यों हमारी तरफ ही रहे, उनमें ज्यादा इस मतलब ज्यादा ज्यादा स्नेह के साथ और ज्यादा मतलब जो भी शक्ति से वो काम कर सकते हैं इस दुनिया में उनको करना चाहिए, तो इसलिए आप सोचिए कि आपके बच्चे की जिंदगी वो खुद लिखने वाले हैं, आपके जिंदगी आप खुद लिख रहे हैं, और सरकार भी लिख रही है, जो भी लिख रही है उसकी जिंदगी, तो वो शायद इस इलेक्शन में खत्म होने वाला है इस सरकार का, मुझे मालूम नहीं है, तो देखते हैं, थैंक यू।